नमस्कार नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, मैं मैं हूं हूं आपका आपका दोस्त दोस्त प्रदीप प्रदीप कुमार कुमार बांगड़े। बांगड़े। आपका आपका इस इस कार्यक्रम कार्यक्रम में में स्वागत स्वागत है। है। जिस जिस कार्यक्रम कार्यक्रम का का नाम नाम है है आपकी आपकी फरमाइश। फरमाइश। दोस्तों, दोस्तों, आपकी आपकी फरमाइश फरमाइश में में आज आज हम हम बात बात करेंगे करेंगे अंगूर अंगूर की की खेती। खेती। हाँ हाँ दोस्तों, दोस्तों, अंगूर अंगूर की की खेती खेती किस किस तरह तरह से से करें, करें, अंगूर अंगूर की की खेती खेती को को करने करने के के लिए लिए क्या 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 चीज चीज जरूरत जरूरत पड़ती पड़ती है, है, सब सब कुछ कुछ मैं मैं आपको आपको बताऊंगा। बताऊंगा। दोस्तों, दोस्तों, तो तो अंगूर अंगूर की की खेती खेती भारत भारत में में मुख्यतः मुख्यतः जो जो है है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश और और तमिलनाडु तमिलनाडु में में होती होती है, है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जलवायु जलवायु होती होती है, है, इसलिए इसलिए यहाँ यहाँ पे पे ये ये फसल फसल अच्छी अच्छी से से होती होती है। है। इसके इसके अलावा अलावा जो जो है है पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पश्चिमी पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश तथा तथा दिल्ली दिल्ली व व राजस्थान राजस्थान के के कुछ कुछ भागों भागों में में भी भी अंगूर अंगूर की की खेती खेती की की जा जा सकती सकती है, है, जिसमें जिसमें जून जून माह माह में में भी भी अंगूर अंगूर मिलते मिलते हैं। हैं। अंगूर अंगूर की की जड़ जड़ की की रचना रचना काफी काफी मजबूत मजबूत होती होती है। है। ये ये कंकरीली, कंकरीली, रेतीली रेतीली से से चिकनी चिकनी तथा तथा उतली उतली से से लेकर लेकर गहरी गहरी मिट्टी मिट्टी में में सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक पनपती पनपती है। है। लेकिन लेकिन रेतीली रेतीली दोमट दोमट मिट्टी मिट्टी जिसमें जिसमें जल जल निकास निकास अच्छा अच्छा हो, हो, अंगूर अंगूर की की खेती खेती के के लिए लिए उचित उचित मानी मानी जाती जाती है। है। अधिक अधिक चिकनी चिकनी मिट्टी मिट्टी में में इसकी इसकी खेती खेती ना ना करें करें तो तो बेहतर बेहतर होगा, होगा, इससे इससे आपको आपको नुकसान नुकसान होगा। होगा। तो तो चिकनी चिकनी मिट्टी मिट्टी में में आप आप इसकी इसकी खेती खेती बिल्कुल बिल्कुल ना ना करें। करें। जलवायु जलवायु का का फल फल के के विकास विकास तथा तथा पके पके हुए हुए अंगूर अंगूर की की बनावट बनावट और और गुणों गुणों पर पर काफी काफी असर असर पड़ता पड़ता है। है। इसकी इसकी खेती खेती के के लिए लिए गर्म, गर्म, शुष्क शुष्क तथा तथा दैर्ध्य दैर्ध्य ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु ऋतु अनुकूल अनुकूल रहती रहती है। है। अंगूर के अंगूर के पकते पकते समय समय वर्षा वर्षा या या बादल बादल का का होना होना बहुत बहुत ही ही हानिकारक हानिकारक है। है। इसके इसके दाने दाने फट फट जाते जाते हैं हैं और और फलों फलों की की गुणवत्ता गुणवत्ता पर पर भी भी बहुत बहुत बुरा बुरा असर असर पड़ता पड़ता है। है। उत्तर उत्तर भारत भारत में में शीघ्र शीघ्र पकने पकने वाली वाली किस्मों किस्मों की की सिफारिश सिफारिश की की जाती जाती है। है। तो तो कौन 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 सी सी किस्में किस्में होती होती है है वो वो भी भी मैं मैं आपको आपको बता बता देता देता हूँ। हूँ। पहला पहला है है परलेट, परलेट, दूसरा दूसरा है है ब्यूटी ब्यूटी सीडलेस, सीडलेस, तीसरा तीसरा है है पूसा पूसा सीडलेस, सीडलेस, चौथा चौथा है है पूसा पूसा नवरंग। नवरंग। अंगूर अंगूर का का प्रवर्धन प्रवर्धन मुख्यतः मुख्यतः कटिंग कटिंग कलम कलम द्वारा द्वारा होता होता है। है। जनवरी जनवरी माह माह में में कांट कांट छड़ छड़ से से निकली निकली टहनियों टहनियों से से कलम कलम ली ली जाती जाती है। है। कलम कलम सदैव सदैव स्वस्थ स्वस्थ एवं एवं परिपक्व परिपक्व टहनियों टहनियों से से लेना लेना चाहिए। चाहिए। सामान्यतः सामान्यतः चार चार से से छह छह गांठों गांठों वाली, वाली, जो जो 23 23 से से 45 45 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लंबी लंबी कलम कलम लेनी लेनी चाहिए। चाहिए। कलम कलम बनाते बनाते समय समय इस इस बात बात का का जरूर जरूर ध्यान ध्यान रखिए रखिए कि कि कलम कलम के के नीचे नीचे का का गट गट गाठ गाठ के के ठीक ठीक नीचे नीचे होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ हाँ दोस्तों, दोस्तों, कलम कलम का का नीचे नीचे का का कट कट गाठ गाठ के के ठीक ठीक नीचे नीचे होना होना चाहिए चाहिए एवं एवं ऊपर ऊपर का का कट कट तिरछा तिरछा होना होना चाहिए। चाहिए। इन इन कलम कलम को को अच्छी अच्छी प्रकार प्रकार से से तैयार तैयार की की गई गई तथा तथा सतह सतह से से ऊंची ऊंची क्यारियों क्यारियों में में लगा लगा दें। दें। एक एक वर्ष वर्ष पुरानी पुरानी जड़ जड़ युक्त युक्त कलम कलम को को जनवरी जनवरी माह माह में में नर्सरी नर्सरी से से निकालकर निकालकर खेती खेती में में रोपित रोपित कर कर दें। दें। दोस्तों, दोस्तों, ये ये जो जो कलम कलम है है आप आप जो जो है है नर्सरी नर्सरी में में आपको आपको लगाना लगाना है, है, तो तो मैंने मैंने आपको आपको बता बता दिया दिया है है कि कि इसकी इसकी जो जो है है सामान्यतः सामान्यतः जो जो है है चार चार से से छह छह गांठ गांठ वाली वाली होनी होनी चाहिए चाहिए और और 23 से 45 23 से 45 सेंटीमीटर लंबी सेंटीमीटर होनी लंबी चाहिए। चाहिए। तो तो इसको इसको आप आप नर्सरी नर्सरी में में लगाइए लगाइए और और फिर फिर इसको इसको रोपने रोपने के के लिए लिए आप आप जो जो है है जब जब 1 साल1 साल के के हो हो जाए जाए तब तब इसे इसे रोपिए। रोपिए। रोपने रोपने से से पूर्व पूर्व मिट्टी मिट्टी की की जांच जांच अवश्य अवश्य कर कर लें, लें, खेत खेत को को भली भली प्रकार प्रकार से से तैयार तैयार कर कर लें। लें। बेल बेल के के बीच बीच की की दूरी, दूरी, किस्म किस्म विशेष विशेष एवं एवं साधन साधन की की पद्धति पद्धति पर पर निर्भर निर्भर करती करती है। है। तो तो इन इन चीजों चीजों का का ध्यान ध्यान रखें। रखें। 90 गुणित 90 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आकार आकार के के गड्ढे गड्ढे खोदने खोदने के के बाद, बाद, हाँ हाँ दोस्तों, दोस्तों, 90 गुणित 90 90 गुणित 90 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आकार आकार के के गड्ढे गड्ढे खोदिए, खोदिए, उसमें उसमें आधा आधा भाग भाग मिट्टी मिट्टी मिलाइए, मिलाइए, आधा आधा भाग भाग सड़ा सड़ा हुआ हुआ गोबर गोबर डालिए डालिए और और 30 30 ग्राम ग्राम क्लोरीपाइरीफास क्लोरीपाइरीफास डालिए, डालिए, 1 किलोग्राम1 किलोग्राम सुपर सुपर फास्फेट फास्फेट व व 500 500 ग्राम ग्राम पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट सल्फेट आदि आदि को को अच्छी अच्छी तरह तरह से से मिलाकर मिलाकर भर भर दें। दें। जनवरी जनवरी माह माह में में इन इन गड्ढों गड्ढों में में 1 साल1 साल पुरानी पुरानी जड़ जड़ वाली वाली कलम कलम को को लगा लगा दें। दें। बेल बेल लगाने लगाने के के बाद बाद तुरंत तुरंत पानी पानी दीजिए। दीजिए। आप आप बेल बेल लगा लगा दिए दिए हैं हैं तो तो पानी पानी जरूर जरूर दीजिए, दीजिए, तुरंत तुरंत दीजिए। दीजिए। अंगूर अंगूर की की बेल बेल साधने साधने हेतु हेतु पंडाल, पंडाल, बाबर, बाबर, टेलीफोन, टेलीफोन, निफिक निफिक एवं एवं हेड हेड आदि आदि पद्धति पद्धति प्रचलित प्रचलित है, है, लेकिन लेकिन व्यावसायिक व्यावसायिक तौर तौर पर पर पंडाल पंडाल पद्धति पद्धति ही ही बहुत बहुत ही ही उपयोगी उपयोगी सिद्ध सिद्ध होती होती है। है। पंडाल पंडाल पद्धति पद्धति द्वारा द्वारा बेल बेल
को साधने हेतु 2.1 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। जाल तक पहुंचने के लिए केवल एक ही तना बना दिया जाता है। तारों के जाल पर पहुंचने पर तने को काट दिया जाता है ताकि पाश्चर शाखाएं उग आए। उगी हुई प्राथमिक शाखाओं पर सभी दिशाओं में 60 सेंटीमीटर दूसरी पाश्चर शाखाओं में के रूप में विकसित किया जाता है। इस तरह द्वितीय शाखाओं से 8 से 10 तृतीय शाखाएं विकसित होगी। इन्हीं शाखाओं पर जो है फल लगता है। बेल से लगातार अच्छी फसल लेने के लिए उचित समय पर काट छाट बहुत ही आवश्यक है। छटाई कब करें? जब बेल सुसुप्त अवस्था में हो तो छटाई करें, परंतु कोपल फूटने से पहले प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सामान्यतः ये जनवरी माह में करना चाहिए। नवंबर से दिसंबर तक सिंचाई की खास आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बेल सुसुप्त अवस्था में होता है, लेकिन छटाई के बाद सिंचाई जो है आवश्यक होती है। तो जैसे आप छटाई कर लें तो उसके बाद आप सिंचाई करें। फूल आने तथा पूरा फल बनने यानी कि मार्च से लेकर मई तक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान पानी की कमी से उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों पर ही बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस दौरान तापमान तथा पर्यावरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। फल पकने की प्रक्रिया शुरू होते ही पानी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फल जो है वो फटेंगे और सड़ जाएंगे। तो फल की तोड़ाई के बाद भी एक सिंचाई अवश्य करें। जैसे आप फल तोड़ दें उसके बाद सिंचाई करवाएं या सिंचाई करें। अंगूर की बेल भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्व को ग्रहण करती है, अतः मिट्टी की उर्वरक बनाए रखने के लिए लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए आवश्यक है कि खाद और उर्वरक पोषक तत्व को पूरा किया जाए। पंडाल पद्धति से लगाई गई फसलें में जो है 3x3 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई गई अंगूर की 5 वर्ष की बेल में लगभग 500 ग्राम नाइट्रोजन, 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट एवं 50 से 60 किलोग्राम सड़े गोबर की खाद डालनी चाहिए। छटाई के बाद तुरंत जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में नाइट्रोजन एवं पोटाश की आधी मात्रा डालें और फास्फोरस की सारी मात्रा डाल देना चाहिए। शेष बचे हुए जो उर्वरक है उसे फल लगने के बाद में खाद एवं उर्वरक को अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाएं और तुरंत सिंचाई करें। खाद को जो है पौधे के जो मुख्य तना है उससे 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें और थोड़ा दूर रखें तने से। बावर पद्धति साधित बेलों पर 60 से 70 एवं हेड पद्धति पर साधित बेलों पर 12 से 15 गुच्छे छोड़े जाए, अतः फल लगने के तुरंत बाद संख्या से अधिक गुच्छे को निकाल दें। आम तौर पर छाल मुख्य तने पर 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी फल लगने ही तुरंत उतारनी चाहिए। जैसे लगते हैं वैसे तुरंत निकाल ले। बीज रहित किस्मों में जिबरेलिक एसिड का प्रयोग करने से दानों का आकार दोगुना हो जाता है। पूसा सीडलेस किस्म में पूरे फूल आने पर 45 ppm 450 mg प्रति 10 लीटर पानी में, ब्यूटी सीडलेस मन आधा फूल खिलने पर 45 ppm एवं परलेट किस्म में भी आधे फूल खिलने पर 30 ppm का प्रयोग करना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड के घोल का या तो छिड़काव किया जाता है या फिर गुच्छों को आधे मिनट तक इस घोल में डुबाया जाता है। यदि गुच्छे को 500 ppm 5 मिली प्रति 10 लीटर पानी में इथोफोन में डुबाया जाए तो फल में अम्लता की कमी आती है, फल जल्दी पकते हैं एवं रंगीन किस्म के दाने पर रंग में सुधार आता है। यदि जनवरी के प्रारंभ में डोरमैक्स 3 का छिड़काव कर दिया जाए
तो अंगूर एक से दो सप्ताह जल्दी पक जाते हैं। पैकिंग के पूर्व गुच्छे से टूटे हुए एवं गले सड़े दानों को निकाल लें। अंगूर के अच्छे रख रखाव वाले बाग में 3 वर्ष पश्चात फल मिलना शुरू हो जाता है और 2 से 3 दशक तक आप इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। परलेट किस्म में 14 से 15 साल के बगीचे से 30 से 35 टन और पूसा सीडलेस से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फसल प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।